कैसे हैं आप सब लोग। आज कार्यपत्र 39 में हम लोग क्षेत्रमिति के विषय में बात करेंगे। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। सभी वस्तुओं की कोई ना कोई आकृति होती है, जिनमें से कुछ वस्तुओं की आकृतियों का स्वरूप जटिल होता है और कुछ बहुत ही सरल होती हैं। कुछ आकृतियों को हम ज्यामितीय आकृति भी कहते हैं, क्योंकि उन आकृतियों के गुण और आकार हमारे द्वारा परिभाषित किए जा चुके हैं और उन आकृतियों का परिमाप, परिधि या क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। इन्हीं ज्यामितीय आकृतियों के बारे में से कुछ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो भी चीज़ें पढ़ने वाले बच्चों, ये सभी सूत्र आपको याद करने हैं। कक्षा 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, सभी जगह जहाँ भी क्षेत्रमिति का टॉपिक आएगा, वहाँ पर आपको इन प्रश्नों को हल करने में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली ये आकृति है, ये कैसी दिखाई दे रही है? त्रिभुज के जैसी। तीन रेखाखंड की बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद इसका परिमाप कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं का जोड़। ये भुजा ए है, ये भुजा बी सेंटीमीटर है, अगर ये सी सेंटीमीटर है तो ए जमा बी जमा सी इसका परिमाप होगा। और क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ आधार गुना ऊंचाई। हाफ आधा लिया, आधार बी साइड हुई और ये एच हुआ। तो ये तुम्हारा जो होता है, इससे तुम्हारा इसका क्षेत्रफल निकलता है। ये आधार और ये ऊंचाई। तो आप ऐसे करते हो ना, हाफ आधार गुना ऊंचाई। आपने ये सूत्र कई बार याद किया है ना। तो आधार को हम किससे दिखा रहे हैं? बी से, और ऊंचाई को दिखा रहे एच से। तो हाफ बी एच, ठीक है ना? समझे? जो ये सूत्र लिखा है हाफ बी एच, वो किस तरीके से लिखा गया है। ओके, ये नज़र आया ना। अच्छा, अब ये जो आकृति है ये वर्ग के जैसी है। इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसको वर्ग बोलते हैं। चार भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90, हर एक कोण इसका 90 होता है। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। तो इसकी जब हर भुजा ए है, तो यहाँ पर आप इसकी भुजाओं को जोड़ोगे तो ए जमा ए जमा ए जमा ए कितना आएगा? 1 2 3 4। तो इसका उत्तर आ जाएगा 4a। तो अब ध्यान दें कि जब भी हम ऐसे जोड़ते हैं तो आगे के गुणांक जुड़ते हैं, ठीक है। और जब आप इसका क्षेत्रफल लोगे तो a गुना a, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई क्या है यहाँ पे a है, तो वहाँ पर क्या होगा? a गुना a। तो ये गुना होके क्या आएगा? a का वर्ग। तो ये मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में बहुत बार बताया कि मेरे वीडियोज़ देखने वाले कोई भी बच्चे ऐसे ना हों जो इस सवाल में गलती करें। a जमा a होता है 2a और a गुना a होता है a का वर्ग, ठीक है। ये बीजगणित में हम देखते हैं जोड़ कैसे किया जाता है और गुना कैसे किया जाता है। यहाँ पर हम इनकी पावर्स को यानी घात को जोड़ते हैं, यहाँ पर हम इनके गुणांकों को जोड़ते हैं। तो इस हिसाब से ये 4a आया और ये a का वर्ग आया। अब इस आकृति को देखें, ये आकृति भी आपने बहुत देखी है, कक्षा 3री से देखते आ रहे हो। ये आकृति आपकी है आयत की आकृति। इसमें आमने सामने वाली लंबाई और ये साइड वाली चौड़ाई ये बराबर होती है। आमने सामने के बराबर भुजाएं होते हैं, प्रत्येक कोण 90 का होता है। तो इसमें अगर ये भुजा L है और ये भुजा L है तो इनको जोड़ोगे तो L जमा L हुआ। ये भुजा अगर चौड़ाई है B और ये चौड़ाई है B, तो ये हुआ B जमा B, है ना। परिमाप में हम क्या करते हैं? परिमाप के अंदर हम सब भुजाओं को जोड़ते हैं। तो अब यहाँ L और L को जोड़ो, ये आया 2L, ठीक है। B और B को जोड़ो, ये आया 2B, ठीक है। दो बाहर निकाल दो, L जमा B, तो 2L प्लस B आ गया इसका, ये आ गया, ये परिमाप हुआ। और जब क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई को गुना L गुना B, ठीक है। आगे देखिए, ये जो आकृति है ये आपकी है समानांतर चतुर्भुज की आकृति। समानांतर चतुर्भुज ये जो पीछे हमने पढ़े थे, वर्ग और ये आयत, ये भी एक प्रकार के समानांतर चतुर्भुज हैं। लेकिन जब हम ऐसे समानांतर चतुर्भुज को दिखाते तो हल्का सा इसको ऐसे टेढ़ा करके बना देते हैं, 90 का कोण नहीं दिखाते, ठीक है। लेकिन आयत और वर्ग भी हमारे एक तरह से समानांतर चतुर्भुज हैं। तो अब इसके अंदर क्या इसकी विशेष बात होती है? इसमें आमने सामने की भुजाएँ समानांतर होती हैं और बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएँ बराबर और समानांतर, यानी ये अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5, ये 10 है तो ये भी 10। तो आमने सामने की बराबर और समानांतर। तो इसकी जो परिमाप होगी ये बिल्कुल आयत के परिमाप जैसी होगी। अगर ये साइड बी है, ये साइड बी है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो इनको जोड़ देते हैं तो 2a प्लस बी, जैसे ये था ना आपका 2l प्लस बी, क्योंकि हमने यह l और b माना था। और अब की बार हम क्या मान रहे हैं? a और b, इसमें हम इसको a और b मान रहे हैं। तो इसको आप a लिख देंगे तो बिल्कुल वही सूत्र बन गया ना, है ना, पीछे वाले की तरह। तो 2a प्लस बी के जैसे ये बन गया। सो ये आपका हो गया। अब जब इसका क्षेत्रफल होगा वो आधार गुना ऊंचाई होगा, ठीक है। ये भी ऐसे ही था, L इंटू बी, ठीक है। तो ये तुम्हारा आधार और गुना ऊंचाई, ठीक है।
अब यहाँ पे ऊंचाई जो होती है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, यही वाली चीज़ आपकी ऊंचाई भी है एक तरीके से, जो ब्रेथ है, क्योंकि सब में 90 का कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आधार गुना ऊंचाई। अब ये है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के अंदर खास बात ये होती है कि चारों भुजाएँ बराबर है, चारों भुजाएँ आपकी वर्ग में भी बराबर थी, है ना, वर्ग में भी हम बोलते हैं चारों भुजाएँ बराबर, और इसके विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक हैं। लंब समद्विभाजक का मतलब होता है कि 90 डिग्री पे आ रहे हैं और बराबर काट रहे हैं। जैसे ये लाइन अगर 8 सेंटीमीटर की है, तो इस पे जो बन रहा है उसने उसको चार चार दो बराबर हिस्सों में बांट दिया और 90 भी बना दिया, 90 का कोण, तो उसको बोलते हैं लंब भी है 90 डिग्री और समद्विभाजक यानी दो बराबर हिस्सों में बांटा। तो इसके जो विकर्ण होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 8th में, ये हर साल फाइनल एग्जाम्स में आता है कि आप इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लें। तो उसका सूत्र क्या है, हाफ डी वन डी टू। तो अगर आपको ऐसे ये दे रखी है 16 सेंटीमीटर और ये ला विकर्ण दिया 8, तो आप इसको करेंगे हाफ गुना 8 गुना 16, ठीक है। डी वन आपको 8 दिया और ये 16 दिया, अब इसको हल कर दो, 2 चौक 8, 16 को 4 से गुना किया 64 वर्ग सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी दिया। तो इस तरह से कितनी आसानी से ये प्रश्न हो गया, इजी है ना। तो ये तुम तब कर पाओगे जब तुम्हें सूत्र याद हो। तो इसका सूत्र याद कर लो, हाफ डी वन डी टू, आधा डी वन डी टू, और इसका जो परिमाप है, परिमाप में चारों भुजाओं का जोड़, भुजाएं इसकी एक जैसी हैं, तो अगर ए भुजा मानी तो जैसे जो वर्ग का होता है परिमाप वही इसका हो जाएगा, वर्ग का परिमाप ये था ना, सारी भुजाएँ एक बराबर है, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये वाला सूत्र, परिमाप तो बहुत आसान होता है, सब भुजाओं को जोड़ जोड़ के आता है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं। ये आपको सूत्र याद होने चाहिए क्षेत्रफल के। अब ये समलंब है, समलंब आकृति कैसी होती है, इस तरह की, जहाँ पर ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समानांतर है। देखो इसको आगे बढ़ाओगे तो ऐसी चलती चलेंगी, और जो दूसरी भुजाएँ हैं, जो दूसरी नज़र आ रही है, वो समानांतर नहीं है। जैसे इसको आगे बढ़ाओगे तो ये आगे बढ़ाने पर मिल जाएंगी आपस में, मिल गई ना ये, तो इसमें एक आमने सामने का रेखा का युग्म, सिर्फ एक युग्म समानांतर होता है। तो वो कौन सा युग्म है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। आमने सामने का रेखा युग्म समानांतर होता है, तो इसकी जब सारी भुजाएं जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा, और इसका जो सूत्र होगा हाफ एच ए प्लस बी, ठीक है। तो ये कैसे निकाले, ये है h, ये है a, ये है b, तो हाफ h a प्लस बी, ये हो गया। अच्छा, ये है आपका समानांतर चतुर्भुज, ये आपका समानांतर चतुर्भुज है, सॉरी सामान्य चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज तो ये था। ये सारे चतुर्भुज हैं, ये भी एक चतुर्भुज है क्योंकि इसमें चारों भुजाएं हैं, ये भी एक चतुर्भुज है क्योंकि इसमें चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी एक चतुर्भुज है, 1 2 3 4, वर्ग और आयत ये सब चतुर्भुज हैं। तो उसमें आपको ये सामान्य चतुर्भुज, यानी कोई विशेष नहीं है, समलंब नहीं है, समचतुर्भुज नहीं है, समानांतर, ऐसी एक चतुर्भुज है। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, इसका एक विकर्ण बना देते हैं और ये उस पर लंबाई डालते हैं, ठीक है, हाइट। तो हाफ डी वन, डी वन इसका विकर्ण हो गया एच वन प्लस एच टू, और जो परिमाप है वो बहुत आसान है, वही ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये एक सामान्य चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज जिसको पे कोई विशेष खास प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए वो समलंब नहीं है, समचतुर्भुज नहीं है, समानांतर चतुर्भुज नहीं है, इसकी कोई आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि समानांतर है, तो ये एक सामान्य कोई भी चतुर्भुज है, इसमें कोई खास विशेष कोई फीचर नहीं है कुछ खास तरह का। तो चार रेखाखंड की बंधा करती है। अब ये वृत्त है, इसको आप बहुत अच्छे से पहचानते हो, एक निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु क्या होता है, ये केंद्र जिसको हम केंद्र बोलते हैं, ये निश्चित बिंदु है, ओ जिसको तुम ज़्यादातर नाम देते हो, निश्चित बिंदु से समान दूरी, ये जो समान दूरी है इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। सब जगह उतनी दूरी होती है ना, यहाँ भी आर है, इधर भी आर है, इधर भी आर है, सब जगह आर बराबर होता है। तो निश्चित दूरी से बिंदु का, स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, ये सारा बिंदु पथ है निश्चित दूरी पर, आर त्रिज्या पर, तो इसको हम कहते हैं वृत्त। इसकी परिधि, इसके जो परिमाप होता है उसका खास नाम होता है परिधि, और उसका सूत्र होता है 2πr, और इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2πr के अंदर पाई की वैल्यू हमको पता होती है 22/7, सिर्फ आर त्रिज्या हमें पता हो तो हम इसका परिधि निकाल सकते हैं, और पाई आर स्क्वायर के अंदर आर पता हो तो आप ये निकाल सकते हो, यानी दोनों प्रश्नों के अंदर सिर्फ आर की आवश्यकता है और कुछ चाहिए ही नहीं वृत्त के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ये सारे जो सूत्र आपने पढ़े ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको लर्न करने, इन सब को आप याद कर लें, जब भी क्षेत्रमिति होगा तो ये आपका टॉपिक, आपको ये याद होना चाहिए, इन सब को लर्न करना है आपने, ठीक है। सो इसके साथ ये वीडियो आपकी फिनिश हो रही है, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में,
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी करो बच्चों इसको, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप पुरानी वीडियो सब देख पाओगे। और 6 से 10 तक की वीडियोस मैंने बना रखी हैं, तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हो अपनी मर्ज़ी से। अगर आपको लगता है 8th क्लास का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया तो 9th की वीडियोस देख लीजिए। आपको लगता है आपको पुरानी चीज़ों में प्रॉब्लम है तो छोटी क्लास की वीडियोस देख लीजिए 6th और 7th की। पर अपनी मैथमेटिक्स को अच्छा कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं था, सिर्फ आपको बताया गया, सारा लर्निंग मटीरियल है ये, इन सबको आपको लर्न करना है। एंड ये वीडियो मेरे ख्याल से आखिरी वीडियो है, DOE की वर्कशीट अब बंद हो जाएंगी कुछ दिनों के लिए। आप अपनी पुरानी वीडियोस को देख के तैयार कीजिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग लाइफ। ये सारी जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे इतना बड़ा परिवार मिला, इतने सारे लोगों से मैं कनेक्ट हो गई हूँ। इस चैनल को ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में तुम्हारा फ़ायदा है, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हूँ, लेकिन जो इतनी मेहनत हुई है वो सारी चीज़ अगर तुम्हें मेरा बताया समझ में आता है तो सब तुम बड़ी क्लास की छोटी क्लास की सब वीडियोस अपनी कन्वीनियंस पे जब आपको टाइम हो आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा आप सारी क्लास के वीडियोस इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। आपको लगता है आपको इंग्लिश मीडियम में सेम चीज़ समझनी है, आप इंग्लिश मीडियम का भी सेक्शन देख सकते हो, ठीक है। बच्चों अपना ध्यान रखना, बाय बाय, क्योंकि कोरोना गया नहीं है, कोरोना से बचाव अभी रखना है। और हम फिर मिलेंगे, कब मिलेंगे अभी पता नहीं है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।